अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल जज़ीरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद साजिद राना। है नाम जिंदगी का औरों के काम आना। चित्राल के आगोश यतीम खाना में ज़ेरे कफालत यतीम बच्चों के साथ तआवुन करने के लिए मुखय्यर हज़रात की तवज्जो मरकूज़ कराने के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम साहिब हैसियत लोगों पर जोर दिया गया कि वो इन यतीम बच्चों की कफालत में इस इदारे के साथ तआवुन जारी रखे ताकि ये यतीम बच्चे बड़े होकर मुफीद शहरी बन सकें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चतराल में यतीम बच्चों की तालीम व तरबियत करने वाला इदारा आगोश में ज़रे कफालत यतीम बच्चों के लिए एक डोनर कॉन्फ्रेंस का अहतमाम हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डोनर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद इन यतीम बच्चों की कफालत के लिए मुहैर हजरात की तवज्जो मरकूज कराना था। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलखिदमत फाउंडेशन के जिली सदर अब्दुल हक ने कहा कि हमारे रजाकार मुसीबत की हर घड़ी में हुकूमती इदारों के शाना बशाना मुतासर लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन 7 मुख्तलिफ सेक्टर में काम करता है। उन्होंने कहा कि अलखिदमत के आगोश यतीमखाने में 47 यतीम बच्चे ज़रे कफालत हैं, जिनकी तालीम और तरबियत से लेकर खाने पीने, लिबास पेजार, इलाज मुआलजे और रिहाइश का बंदोबस्त भी बिल्कुल मुफ्त की जाती है। इसी तरह फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 53 बच्चों और बच्चों का घरों में कफालत और तालीम और तरबियत का एहतमाम किया जा रहा है। तकरीब से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सैयद वकास अंजम जाफरी, सदर अलखिदमत खैबर पख्तूनख्वा खालिद विकास, मरकजी एजुकेशन डायरेक्टर जिब्रान बलोच और मुफ्ती रशा वगैरह ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें ओनर नहीं बल्कि ओनर चाहिए ताकि इस यतीम खाने को अपने घर की तरह और इन यतीम बच्चों और बच्चों का अपने बच्चों की तरह किफालत करे। सदर अलखिदमत फाउंडेशन अब्दुल हक ने इन मुहिर हजरात का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने एक से लेकर 4 यतीम बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी कबूल की। अलखिदमत फाउंडेशन लोअर चित्राल अपने तमाम मुखायर हजरात और अहले सरवत के मशहूर है कि उन्होंने आज के डोनर कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की और इन पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा भी हम आपसे तवक्कु रखते हैं कि आप अपने सदकात, खैरात और ज़कात अलखिदमत के प्रोजेक्ट और खासकर आगोश के बहिमत बच्चों को जरूर देंगे। इस इदारे के रजाकार वली रहमान ने भी मुहिर हजरात से इमदाद की अपील की। आज के इस डोनर कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो हमारे साथ चित्राल आगोश होम्स में जो 47 यतीम बच्चे हमारे साथ ज़ेरे किफालत हैं उनके हवाले से हमने आज ये प्रोग्राम सजाई थी। तो उनकी मुस्तकिल क्लाथिंग, उनकी फूड और उनके जो एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं वो यहीं से पूरे होते हैं। लिहाजा हमें डोनर हजरात से गुजारिश है, मुखैर हजरात से गुजारिश है कि वो डोनर न बने बल्कि ओनर बने और इन बच्चों की किफालत में हमारा हाथ बटाएं। डोनर कॉन्फ्रेंस मौलाना जमशेद के दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। डोनर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आगोश में जो ज़ेरे किफालत यतीम बच्चे हैं उन बच्चों की बेहतरीन तालीम और बेहतरीन मुस्तकबिल संवारना है। मुखैर हज़रात से दरख्वास्त की गई कि वो डोनर बनने की बजाय ओनर बने और इन बच्चों की किफालत में इस इदारे के साथ तआवुन जारी रखें। अहमदाबाद कलमात फारूकी, अल जज़ीरा न्यूज़, चतराल। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aljazeeranews.tv। कलर से बने हर घर स्टाइलिश। बेल ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर प्रिज्म सीरीज। योर स्टाइल, योर रिफ्लेक्शन। बेल, चेंज योर लाइफ।